इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बुरहानपुर से बता रहे हैं जी। इस वक्त की बड़ी खबर बुरहानपुर से, जहां फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई कई छात्र, 30 से अधिक छात्रों को फूड पॉइजनिंग, छात्रों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। लालबाग थाना क्षेत्र के नवोदय विद्यालय का है मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुरहानपुर से, जहां फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई कई छात्र, 30 से अधिक छात्र को फूड पॉइजनिंग, छात्रों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। लालबाग थाना क्षेत्र के नवोदय विद्यालय का मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं विद्यालय है, यहाँ के 30 छात्रों को जो है खाना खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है। सभी छात्र जो है अस्पताल में भर्ती है। तस्वीरों में आप सब देख सकते हैं बच्चे जो है 13-14 साल इनकी उम्र जो है, क्यास लगाया जा सकता है 30 बच्चों को खाना खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है। अब खाने में ऐसा क्या था उसकी जांच हो रही है और 300 बच्चों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। फूड पॉइजनिंग जो है इनमें पाई गई है। नवोदय विद्यालय का ये मामला है, बड़ी लापरवाही से हम कह सकते हैं। एक साथ 30 बच्चों को फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विद्यालय की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो बुरहानपुर से खबर है, जहां फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए कई छात्र। इसी के साथ इस खबर पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ बुरहानपुर से हमारे संवाददाता गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, बड़ी खबर सामने आ रही है बुरहानपुर से, बड़ी लापरवाही देखी जा रही है कि नवोदय स्कूल के छात्रों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। 30 छात्र जो है एक साथ भर्ती है, क्या है पूरा मामला? जी बता देना चाहूंगा अश्मिता, जिस तरह से लापरवाही यहाँ सामने आई है, कोई भी यहाँ जो स्कूल का बड़ा अधिकारी है वो इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, और यहाँ पर एक चीज और देखने में आई है कि जिस तरह से रात में बच्चों को भोजन कराया गया था, उसमें पापड़ और कुछ दाल चावल खिलाए गए थे, शायद इसी के चलते जो है बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। यहाँ लगभग 2 दर्जन से ज्यादा, यानी लगभग 30 से 35 बच्चे यहाँ पर स्कूल के छात्र है जो मासूम है, जिन्हें यहाँ पर भर्ती कराया गया है। अब जिला अस्पताल में जो है इनका इलाज जारी है, देखना होगा कि कब तक जो है इस पर फूड पॉइजनिंग पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल गोपाल, और प्रशासन का क्या रवैया रहा है इस मामले पर? नवोदय एक छोटा मोटा नाम नहीं है, नवोदय विद्यालय में ऐसी चीजें सामने आना, ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आना, तो प्रशासन क्या रवैया है? प्रशासन का कोई अधिकारी अभी तक पहुँचा है? जी अश्मिता, बता देना चाहूंगा कि अभी प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है और न ही कोई अधिकारी यहाँ पहुंचा है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि नवोदय विद्यालय अपने आप में ही एक बड़ा विद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो प्रदेश स्तर पर नाम है, लेकिन यहाँ पर जो लापरवाही सामने आई है, जरूर कहीं ना कहीं जो है बच्चों को जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये एक बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं। जी अश्मिता, छात्रों की बात करें तो अभी उनकी कैसी स्थिति है, मतलब उनकी तबीयत में कोई सुधार है या क्या लगा? जी अश्मिता, यदि बात करें उनकी तबीयत की, तो यहाँ पर लगातार जो है उल्टी दस्त जारी है उन्हें। अब जो है डॉक्टर्स और नर्सेस यहाँ पर उनके पूर्ण इलाज के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अब देखना होगा कब तक जो है बच्चों के इस उल्टी दस्त पर काबू पाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बुरहानपुर से हमने आपको खबर बताई, जहाँ नवोदय विद्यालय में 30 छात्र जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए और अस्पताल में सभी छात्र भर्ती है।